नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एडुजेट। फेसबुक पर भगवान के नाम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मास्टर पर हुई कार्यवाही। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम व शंकर भगवान को लेकर अपने फेसबुक पेज पर किया था आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग, जिसका हिंदू संगठनों सहित कई लोगों ने किया था विरोध। आपको बताते चले कि जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की मार झेल रहा है, इस कोरोना रूपी महामारी को हराने के लिए जहां पूरे देश के सभी नागरिक एकजुट होकर इसको हराने के प्रयास कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ एक ब्रजेश वर्मा नाम के अध्यापक ने अपने फेसबुक पेज पर हिंदू समुदाय के भगवान शंकर व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन काल पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करके सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है। उन्नाव वासियों ने इस तरह की टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए उन्नाव पुलिस पर जिला विशेष शिक्षा अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई थी। उन्नाव पुलिस कप्तान ने युवक की जांच करने के लिए सोशल मीडिया उन्नाव पुलिस को आदेशित किया था। पुलिस की जाँच में युवक दोषी पाया गया है। ब्रजेश वर्मा नाम का यह युवक मूलत उन्नाव शहर का निवासी बताया जा रहा है। ब्रजेश वर्मा विकासखंड मियागंज के सुभानी खेड़ा प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत बताया जा रहा है। पूरे मामले को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रदीप पांडे ने संज्ञान में लेते हुए युवक को उसके पद से निलंबित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी गंज मुरादाबाद उन्नाव को जाँच सौंपी है। समाचार टूजेट के लिए उन्नाव से भानु सिंह चंदेल की रिपोर्ट। हेलो जी, खंड शिक्षा अधिकारी दिनेश सिंह से बात हो रही मियागंज? जी हाँ जी जी, प्रणाम सर। जी प्रणाम सर। सर भानु चंदेल बोल रहा हूँ समाचार एडियो न्यूज चैनल से। हाँ हाँ बताएं सर, एक मामला संज्ञान में आया है कि आपके क्षेत्र के आपके ही एक अध्यापक हैं, सहायक शिक्षक ब्रजेश वर्मा, जिन्होंने फेसबुक पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और शंकर जी को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के आपके विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई? दरअसल इसको संज्ञान में लिया गया, प्रथम दृष्टया इनको इनके ऊपर कार्यवाही की गई, इनको निलंबित कर दिया गया है जी। और जांच गतिमान है, जांच खंड शिक्षा अधिकारी गंज मुरादाबाद को दे दिया गया है जी। और जांच के बारे कोई स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इनकी क्या मंशा थी, क्यों उन्होंने ऐसा किया है जी। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।